इस पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदोपरांत प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य संपर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्ला को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किया गया व एटीएस टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात एटीएस टीम द्वारा सैफुल्ला के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपये नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वाकी टाकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना एटीएस लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017 धारा 307/121A/122, 123, 124A IPC 3425/27 आर्म्स एक्ट और 16/18/23 UAPA के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121A, 121A, 123, 124A IPC तथा UAPA की धारा 16, 18, 23, 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से 1 इटावा व 1 औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच NIA से कराई जाएगी और अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस सैफुल्ला जो मारा गया है उसके पिता से मिले और उन्होंने उसकी लाश को हैंडओवर करने की बात कही, जो स्टेटमेंट दिया है उसके सैफुल्ला के पिता मोहम्मद सरताज ने कि जो देश का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, उसने कोई सही काम तो किया नहीं है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना है। और आगे कहा है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्ला ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हर किसी के लिए देश पहले है, यह सैफुल्ला के पिता सरताज कहते हैं, जबकि सैफुल्ला देश का नहीं हो सका इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं सैफुल्ला के पिता के प्रति सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं पूरा सदन
सैफुल्लाह के पिता सरताज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा, और वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। अध्यक्ष महोदया, इसका उल्लेख करना मैंने आवश्यक समझा, इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया।